आज का टॉपिक हमारा बहुत ही मजेदार है, हर घर की कहानी है। हर घर में तूतू मैमे कभी ना कभी होती है, लेकिन मियां बीवी के दरमियान ये तूतू मैमे होती क्यों है, क्या पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंस होते हैं, क्या आइडियोलॉजी डिफरेंस होता है। हाँ, डॉक्टर इमरान हमारे साथ बैठे हैं और हम मुस्तकिल एक दूसरे से बात कर रहे हैं इस बारे में, क्या होते हैं डिफरेंसेस, जो मेन डिफरेंसेस हैं मियां बीवी के दरमियान तूतू मैमे के। एक तो खर्चा हो गया जो अभी हमें पता चला, फिर एक मैके जाने वाला चीज़ हो गई, फिर एक मियाँ का अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होना और उनको ज़्यादा टाइम देना, ये हो गया। मोस्टली क्या होता है कि हम बेटा सामने वाले को अपनी बात समझा नहीं पा रहे होते और उसको भी नहीं समझ पा रहे होते। अच्छा। यानी अगर उसको उसको अगर एक रीज़न है कि वहाँ नहीं जाओ तो उसके उसको भी नहीं समझ पा रहे होते कि आखिर उसका क्या रीज़न है कि वो क्यों नहीं चाहता कि आप जो है वो वहाँ पे जाए। अच्छा, बात अच्छा, है आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, क्या ये शादी के शुरू में ज़्यादा होता है या शादी के कुछ अरसे सालों बाद ज़्यादा होता है? नहीं, शादी के शुरू में तो ऑब्वियसली कम होता है, क्योंकि उस वक्त तो इंसान पे थोड़ा सा जज्बात भी होती है, उसको उतरते उतरते थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है। और जब खास तौर से जब बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, मेरी बहनों को एक अच्छी बात आपकी इस बात से अच्छा एक मैसेज जो है वो याद आया कि बाज़ दफ़ा जो है वो एक एक वक्त था, जब भी अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा, एक साल हो या दो साल हो या तीन साल हो, उस दो तीन साल के अंदर एक जो आपकी तवज्जो का महवर था वो सिर्फ एक शख्स था, एक बच्चा था, अच्छा अब मैं हमेशा शौहर को एक्स्ट्रा बच्चा कहता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल बच्चों की तरह ही बिहेव जो है वो करता है, उसको माँ जैसी चीज़ें चाहिए होती हैं, माँ जैसा खाना चाहिए होता है, माँ जैसी चीज़ें चाहिए होती हैं, यानी उसको वो भी चाहता है कि मुझे पैम्पर किया जाए। अच्छा, अब दूसरी जाहिर एक बच्चा जो है वो आता है, तो बाज़ दफ़ा ये जो तवाज़ुन की बात हो रही थी ना, वो बच्चियाँ तवाज़ुन नहीं कर पाती हैं, वो बच्चे में इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाती है कि वो उसको जो है वो भूल जाती हैं। अच्छा, और वो कहते हैं जी मेरी भी शायद कुछ नीड्स हैं ना, यानी उस बच्चा ठीक है लेकिन मेरी भी तो कोई नीड्स हैं, और खातून के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अब उसके अंदर भी जो है वो तवाज़ुन रख सके। तो वो जब अपनी बात बहुत सारी नहीं समझा पाती है कि जी मुझे, और या शौहर इसी तरह जो है वो समझा नहीं पाता है। अच्छा, कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिसके जिसको सिर्फ अमल से जाहिर किया जा सकता है, यानी एक वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन ये मोहब्बत जो है ये सिर्फ अमल से पता लगती है। सामने वाले को अगर ये पता हो कि आपको कैसे ये पता लगेगा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, कुछ लोग देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग सुनना पसंद करते हैं, उनको अल्फाजों की ज़रूरत है, कुछ लोगों को किसी मंजर की ज़रूरत है, यानी आप ये चीज़ करके दिखाएंगे तो मुझे समझ में आएगा, कुछ लोगों को एहसास की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग हैं जो मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ, वो चाहते हैं कि वो कुछ भी ना करें, सिर्फ अगर हम हाथ पकड़ के भी बैठे रहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, इसका मतलब है हम एक दूसरे के साथ हैं। तो ये जो अगर आपको सामने वाले को ये समझ जाए, कैसे पता लगे, आप अपने पार्टनर्स के बारे में पूछ लें, आप अपने मियाँ बीवी से आप यकीन माने जितनी चीजें पूछ सकेंगे इतनी उनकी जिंदगी बेहतर होगी। अच्छा। एक शख्स चाह रहा है डायलॉग बीच में बात करे, देखिए बड़ा आसान सवाल है कि मैं अपनी बीवी से जाके पूछूं कि ये बताइए कि मेरा कौन सा ऐसा अमल है जिससे आप खुश और मुतमइन होगी, राइट, यानी मैं आपको क्या चीज कुछ दिखाऊं, मैं कुछ बोलूं, मैं आपका हाथ पकड़ के बात करूं, क्या कोई चीज मैं खिलाऊं आपको लेके आऊं, बहुत से लोग ये भी तो जायका ही है ना, आप स्मेल से ज्यादा जो है वो होते हो, मैं कोई ऐसी कोई चीज जो है वो लेके आऊं, आपको फूल लाना पसंद है, अच्छा अगर मैं फूल लाता हूं तो फूल देख के ज्यादा खुश होती हैं, फूल को हाथ में पकड़ के खुश होती हैं, फूल को सूंघ के खुश होती हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपके लिए फूल जो है वो लेके आऊंगा। तो ये चीज एक दूसरे की पूछने में भी, इसी तरह अगर वो शौहर की भी इसी तरह ख्वाहिशात पूछे कि मेरी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पसंद आएगी, क्या कोई ऐसे रंग है जो मैं पहनूं तो आपको अच्छा लगेगा, क्या मेरे कोई ऐसे बाल के स्टाइल है जो आपको जो है वो ज्यादा अच्छा जो है वो लगेगा, मैं अगर आपके साथ जाऊं और आप किसी तकरीब में मुझे ले जाना चाह रहे हैं, मुझे किस तरह के लिबास पहनने चाहिए, अच्छा। मुझे किस तरह की गुफ्तगु जो है वो रखनी चाहिए, हम आपस में कुछ भी करें, तो उसको ये समझेगा किसका मतलब, ये वो चीज़ें हैं जो अमल से एक दूसरे को समझ में आ जाएगी। मैंने ये देखा है, यकीन माने इतनी फैमिली काउंसलिंग में करता हूँ और हमारा सेंटर करता है, दोनों एक दूसरे को टूट के चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को सिर्फ यही नहीं बता पा रहे कि हम दूसरे को टूट के चाहते हैं और घर तोड़ने के लिए आए हैं, घर तोड़ने के लिए आए कि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम दो अलग दुनिया के लोग हैं, हम एक दूसरे को समझते नहीं। अच्छा, शादी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है क्या, आप कह रहे हैं टूट के चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना और अपने आप को समझा देना, और इसके लिए जिंदगी आसान हो जाती है जब आप सामने ही वाले से पूछ लें। आप खुद सोचो, आप एक बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन रेस्टोरेंट में भी चले जा रहे हैं, वो आपके लिए मेन्यू लेके आप कहो यार जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले आओ, अच्छा वो अच्छा लेके अपने हिसाब से, उसने पता नहीं उसको क्या पता कि आपको क्या अच्छा लगता है, उसके बाद आप कहेंगे यार ये वाला क्यों, और कुछ नहीं है आपके यहाँ, यार आप सोचे और कुछ नहीं है आपके यहाँ,
भाई आपने तो खुद कहा था कि जो अच्छा लगे, अब इस अच्छा का मतलब कुछ नहीं है जब तक आप ना बताएं कि आपके लिए अच्छा क्या है। भाई आपके लिए अच्छा क्या है? दूसरी चीज ये बाजा भाई होता है वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आपको भी तो दिख रहा है, यही कहते हैं ना, आपको भी दिख रहा है, आपने भी तो सुना होगा।